नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस नए साल के हमारे पहले मेहमान हैं गंधार देशपांडे जी। कल हमने उनके संगीत सफर की शुरुआत के बारे में बातचीत की थी। आज बातचीत करेंगे किस तरह उनका सफर आगे बढ़ रहा है, कौन से कार्यक्रमों में, कौन से मंचों को की शोभा वो बढ़ा चुके हैं, और वो खास पुरस्कार जो उनको किशोरी अमोनकर, किशोरी ताई जी ने दिया था, जिसकी यादें उनके साथ हमेशा ताजा रहती हैं। तो देखिए इस बातचीत का दूसरा हिस्सा। चलिए अब इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में आते हैं, और जो प्रश्न मैंने पिछले हिस्से में आगे के लिए टाला था वो ये कि पिता ही गुरु हो और गुरु ही पिता हो। ये क्वेश्चन बहुत अगर आसानी से है तो आसानी से है, कॉम्प्लिकेटेड है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि समझना नहीं, समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सामने बैठे व्यक्ति में कब गुरु हावी हो जाएगा और कब पिता हावी हो जाएगा, कब वो पिता की तरह स्नेह करने लगेंगे और कब वो गुरु की तरह डांटने लगेंगे, ये भांप पाना बड़ा मुश्किल है। तो आपने कोई फॉर्मूला बनाया इसका या नहीं अभी तक? नहीं, इसमें भी मैं क्रेडिट मैं हमारे पिताजी को ही दूंगा कि और उससे भी ज्यादा क्रेडिट मैं अभी मैंने कभी ये बोला नहीं, पर अभी मुझे बोलने में कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि इसमें मेरे माँ का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे माता जी ने अपना करियर जो बहुत अच्छे पीक पे था, मैं बोलूंगा कि लाइट म्यूजिक और थोड़ा सा क्लासिकल में भी, वो मेरे जन्म के बाद उन्होंने पूरा कॉन्सेंट्रेशन मेरे पे कर दिया और अपना पूरा करियर रुकवा दिया। और उसमें पिताजी, आपको शायद मालूम भी होगा कि मेरे पिताजी पूरे भारत भर में बहुत फेमस है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब ऐसा बोला नहीं जी, पर हमेशा पहले बहुत लड़कियां भी सीखती थी और उस परंपरा में सीखते सीखते हमेशा रोना ही उनका होता था, क्योंकि पापा बहुत चिल्लाते थे क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट है वो। और बहुत सारे लड़के भी हताश हो जाते थे कि यार ये क्या हो रहा है, पर सबका स्नेह और प्रेम पापा पे बहुत था क्योंकि प्यार बहुत करते हैं। तो उस परंपरा सीखते वक्त मम्मी ने इतना ही पिताजी को कहा कि भाई ये हमारा बेटा है तो इस पे थोड़ा सा रहम करो और उसे जैसा आ, आ, गाना है वो फ्रीडम उसको दो, मैं आपको बताती हूँ कि वो अच्छा करेगा। तो क्या बता, पापा को भी वो ये हुआ और जितनी डांट बाकी को हुई है उससे 2 गुना डांट मुझे पड़ती थी। और मम्मी का सुनते ही पापा ने थोड़ा सा ज्यादा डांटना शुरू किया, पर आज उसी की वजह से मैं जो हूँ वो हूँ। पर धीरे धीरे जैसे मैंने प्रगति दिखाई, जैसे हमारे उस्ताद जाकिर हुसैन जी हमेशा बोलते हैं कि शिष्य ने प्रेरित करना चाहिए गुरु को कि वो अच्छा सिखाए। गुरु ने अच्छा नहीं, गुरु नेवर, मतलब गुरु नेवर टीचेस, वो सिर्फ आपको बताते हैं, पर आपने अगर उनको ऐसा काम करके दिखाया कि उनको भी लगे कि नहीं इसकी लायकी है कि मैं इसको कुछ सिखाऊं, कुछ अलग बताऊं, तो गुरु हमेशा बताएगा, कोई भी गुरु। तो गुरु में कोई खामी नहीं होती, शिष्य में खामी होती है। तो वैसे जैसे मैंने प्रगति करना शुरू किया, फिर पापा ने और डेप्थ जाना शुरू किया, फिर हमारा रिलेशन कुछ अलग ही है आज, कि हम दोस्त भी है और एक शिष्य करके मैंने एक डिस्टेंस मेंटेन भी किया है। मैं ज्यादा हावी होता नहीं, क्योंकि पहले वो मेरे गुरु है और भगवान के बाद आते तो गुरु है। तो बैलेंस अगर आप पूछेंगे तो थोड़ा सा मैं भी मेंटेन करता हूँ और थोड़ा सा वो भी मेंटेन करते हैं। तो और हमारे घर में एक विशेषता है कि हमारे सभी लड़के जो है वो मेरे सगे भाई है, सबको एक ही ट्रीटमेंट है, मुझे कुछ अलग ट्रीटमेंट मिलती नहीं, और बोला जाए तो डांट ज्यादा मुझे पड़ती है उनकी भी, पर वो मैं सहन कर लेता हूँ। बिल्कुल, और मैं कई मतलब अब तक मुझे लगता है कि शायद 1,000 इंटरव्यू करने का सौभाग्य मुझको मिल चुका है कलाकारों से, और कई लोगों ने ये बात कही है कि उस वक्त तो जब डांट पड़ती थी या मार पड़ती थी तो बहुत दुख भी होता था और गुस्सा भी आता था, खीज लगती थी, लेकिन आज लगता है कि अगर उस वक्त 2 थप्पड़ और पड़ गए होते तो शायद और ज़्यादा सुरीले होते या और ज़्यादा तो ये बचपन की पिटाई कई बार जीवन भर आपको एक बेहतर कलाकार के तौर पर गढ़ने में काम आती है। आप गंधार ये भी बताएं कि पढ़ाई हो गई, तालीम भी एक इस लेवल तक की आ गई कि हाँ अब सोलो भी कर सकते हो, किसी के साथ अगर बैठना है, कुछ कुछ कोलेबरेशंस करनी है वो भी कर सकते हो,
लेकिन सिर्फ प्रोफेशनली म्यूजिक ही करना है, मतलब अब म्यूजिक ही रोजी रोटी भी है, ये कब तय हुआ, तय हो चुका है क्या? और इसमें पिताजी की कुछ डूज एंड डोंट्स की लिस्ट रही होगी कि ये डूज हैं, ये करना और ये मत करना, ऐसा कुछ बताइए। ये थोड़ा बड़ा विषय है आपकी इजाजत, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी मौका मिला है तो मैं इलेबरेट करना चाहूंगा। आई होप वी हैव सम टाइम। सो द थिंग इज दैट मैं हमारे जो यंग दोस्त है मेरे जैसे, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि इस फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से आपका करियर हो सकता है। और एक जो बाकी बाहर का दृष्टिकोण देखे तो जितना मेहनत सीएस और इंजीनियर्स को करके उनको जो नौकरियां मिलती है वो आज के जमाने में बहुत बुरी तरीके से उनको देखा जाता है। तो उससे अच्छा गाने में अगर आपकी रुचि हो और गाने में आपको करना है तो इस फील्ड में बहुत अच्छा करियर हो सकता है। बात मेरी करे तो मैं थोड़ा सा पापा के वजह से बचपन से ही अलर्ट था इस बारे में, मेरे 8वीं के बाद। सो आई स्टार्टेड प्लानिंग माई करियर अकॉर्डिंगली, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई फोकस मोर ऑन माई सोलो कॉन्सर्ट्स फ्रॉम 2011। अभी मुझे सोलो कॉन्सर्ट्स लोग बुला के 11 साल हो गए, मतलब लोग खुद से बुलाने लगे मुझे 11 साल, क्योंकि 2005 से 11 तक मैं बहुत बार पिताजी के पीछे बैठा और मैंने गाया। और जैसे पिताजी ने नाम कमाया है उसी प्रोसेस से मैंने पीछे बैठ के गा के नाम कमाया, और फिर लोगों ने 2011 से मुझे प्रोफेशनली बिदागी दे के बुलाना शुरू किया, ऐसा मैं कहूंगा। तो उसी प्रोसेस में मैंने कहा कि जिस तरीके से हम जिस परंपरा में सीख रहे हैं उसको और एलैबोरेट करते जाए। और फिर एक पॉइंट ऐसा आया 2013 में कि पापा ने बोला कि तुम अभी सिखाओ, तब तक मैं सिखाता नहीं था, पर 2013 में पापा ने बोला कि तुम कुछ विद्यार्थी जो बहुत यंग है उनको बहुत ही जूनियर लेवल से सिखाना है, तुम उनको सिखाओ, सिखाने से तुम्हारा गाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को मैंने ऐसे तरीके से लिया कि मैंने सोचा कि ठीक है, तब मैं कॉलेज कर रहा था, कि कॉलेज करके मैं सिखाऊंगा भी, और सिखाने से मेरी विद्या भी बढ़ेगी और मेरा फाइनेंस भी स्टेबल रहेगा। क्योंकि एक 22-23 साल तक किसी भी बच्चे का पैसा देखा नहीं जाता, पर 22-23 साल तक का अगर आपका बैंक बैलेंस अच्छा हो तो आगे की लाइफ म्यूजिशियन को बहुत अच्छी हो सकती। तो ये मैंने प्लान किया और फिर 2013 से अभी तक मैं सिखा रहा हूँ, और आज मैं मेरे 20-21वीं उम्र में मैं सेटल था इस एक निर्णय की वजह से। उसके पीछे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस है जो एक यंग व्यक्ति को करने में बहुत कठिन हो सकते हैं, पर आगे के दृष्टिकोण से मैंने वो सेक्रीफाइसेस किए। और बैलेंस और स्ट्रेटेजिकली अगर आप 8 से 10 साल अपने गाने को और अपने करियर को दे तो इस फील्ड में बहुत अच्छा करियर हो सकता है, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। आप मेरी लाइफ देखिए, सभी यही कहेंगे तुम तो स्टार किड हो तुम्हें क्या, पर आज तक मेरे पिताजी ने एक भी जगह मेरा नाम नहीं बताया है, क्योंकि मैं इस जैसे आपने बताया कि कभी तय हुआ कि तुम प्रोफेशनली ये करोगे तो 10th स्टैंडर्ड होने के बाद, 10th का रिजल्ट लगने में 2 महीने थे, उसी वक्त मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे इसमें ही करना है क्योंकि पढ़ाई में मुझे रुचि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देख यार ऐसा भी हो सकता है कि तेरे सब दोस्त के पास हो बहुत बड़ी गाड़ी, तेरे पास गाड़ी ना हो, तेरे दोस्तों के पास बंगलो हो, तेरे पास छोटा फ्लैट हो, तो ये सब चीज तू सहन कर पाएगा क्योंकि हम सब इसमें से गए हैं। तो मैंने पापा को कहा कि मैं पापा इसके आगे की बात मैं बता देता हूँ कि मैं अगर बहुत ही बुरी सिचुएशन रही तो मैं शादी भी नहीं करूंगा, पर मुझे गाना ही करना है। भी तब छोटा था मैं, इतनी समझ नहीं थी, पर मुझे ये पता था कि वो एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस हो सकता है, क्योंकि हमारे परंपरा में रामकृष्ण परमहंस जी के हम दीक्षा ले चुके हैं हमारे दादाजी, और सब संत लोगों के साथ हम बचपन से रहे तो उनकी लाइफ हमने देखी, तो शायद उस वक्त वो सब मेरे दिमाग में था तो मैंने वो डिसीजन लिया कि बहुत ही बुरी सिचुएशन रही तो मैं नहीं करूंगा और सिर्फ गाने को अपना लाइफ दे दूंगा। तो पापा को ये बहुत पसंद आए और उनको पता था कि ये कुछ होने नहीं वाला है, पर ठीक है इस बच्चे की ताकत तो है इतनी, और उसके हिसाब से फिर आज बहुत सालों से पूरी दुनिया में मैं घूम रहा हूँ। पापा का जितना भी
पारंपरिक गाना पूरी दुनिया में फैला हुआ है उसकी लाज रख रहा हूँ ऐसा लग रहा है, और आप सभी के आशीर्वाद से आगे भी करता रहूंगा ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, आशीर्वाद, शुभकामनाएं सब कुछ हैं। और बहुत सही आपने कहा कि ये जो कई बार हम मॉडेस्टी में बच्चों को डरा देते हैं, कई बार जो यंग बच्चे होते हैं उनको ये कहकर हम कि हम 80 साल से कर रहे हैं और कुछ सीख नहीं पाए और बस जो थोड़ा बहुत जो आता है, ये सारी बातें मॉडेस्टी में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो इससे घबराती है। उसको लगता है कि कोई ऐसा रॉकेट साइंस है शास्त्रीय संगीत। अगर आपको शास्त्रीय संगीत में दक्ष होना है तो आपको वैसा ही परिश्रम करना है जैसे आपको एक चित्रकार बनने के लिए करना है, जैसे आपको एक अच्छा पेंटर या अच्छा आर्टिस्ट या अच्छा बैट्समैन या अच्छा बॉलर या अच्छा डॉक्टर। साधना तो हर जगह करनी है। और वही बात गंधार कह रहे हैं कि आप इस प्रोफेशन, इस म्यूजिक फील्ड को प्रोफेशनली अगर डिवोट करेंगे अपना टाइम अपना समय, तो निश्चित तौर पर इसमें भी करियर है। और ये बात हर उस कलाकार को समझनी चाहिए जो इस वक्त इस दुविधा से गुजर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं शास्त्रीय संगीत में चला जाऊं और फिर उसके बाद मुझे परिवार चलाने का संकट होने लगे। और यही वजह है कि गंधार को तमाम अप्रिसिएशन मिले हैं, तमाम पुरस्कार मिले हैं, लेकिन मैं जिस पुरस्कार की बात करूंगा गंधार, वो आपका मेरे ख्याल से आपको भी हो सकता है कभी कभी सपने में भी आता हो वो पुरस्कार, क्योंकि वो पुरस्कार आपको किशोरी ताई ने अपने हाथों से दिया था। और किशोरी ताई का आशीर्वाद मिलना मतलब किसी भी कलाकार के लिए, आपके लिए तो है ही है, किसी भी कलाकार के लिए वो बिल्कुल सपनों जैसा है, बिल्कुल जीवन भर की यादों में सजो कर रखने जैसा है। मैं इस पे ज्यादा ना बोलूँ तो ही अच्छा है, क्योंकि कैसा है कि मुझे भगवान ने आके आशीर्वाद दिया, इतना मैं बोलूंगा। क्योंकि तब वैसे मैं बोला कि आज जो मुझे समझ है उस टाइम उतनी थी कि नहीं मुझे बता नहीं, पर मुझे इतने मालूम था कि कोई तो भगवान स्वरूप ही माता ने मुझे ये आशीर्वाद दिया, और पापा के संबंध थे ही, तो बचपन से उनका गाना लाइव सुनना, ये सब उनका सब देखना, तो इनका सब देखा है। और वो मेरे लिए बहुत बड़ी मोमेंट थी, क्योंकि वो उस टाइम शी हैड क्रॉस्ड 80 एंड शी शी वाज वेरी व्हाट वी कैन से लवेबल एंड लिनियंट दैट टाइम। इतना प्यार से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उन्होंने दो बातें मेरे बारे में कही कि ये बच्चा अच्छा आगे करेगा ऐसा मैं विश्वास करती हूँ, ये बात बोलना भी बहुत बड़ी बात है। और उनको क्या बता क्या विश्वास लगा होगा, पर मतलब उनको यही लगा कि ये परंपरा और शिस्त से सीखा हुआ लड़का है, इसका गाना अभी बहुत छोटा है पर ये आगे जाके अगर कुछ साल भी इसमें दे तो ये कुछ अच्छा कर पाएगा। और उनके हाथों से ये हृदय पुरस्कार मुझे मिला, और दैट वाज द बिगेस्ट मोमेंट इन माय लाइफ वेयर आई थॉट दैट नो आई एम नॉट गोइंग टू बी द लोएस्ट अर्नर अमॉन्ग माय सोसाइटी, बिकॉज एक उम्मीद जागनी पड़ती है, वो हृदय पुरस्कार था। और हृदय फेस्टिवल में मेरा गाना, आज हृदय फेस्टिवल में मेरा गाना 2013 में हुआ, जो युवा युवा संगीत महोत्सव करते थे गाना प्रभा का, तो उसमें मेरा फर्स्ट डे में लास्ट परफॉर्मेंस, कुछ तो नहीं तो फर्स्ट परफॉर्मेंस था, तो उस गाने के वजह से सब जगह मेरा गाना फैल गया। और फिर जो जर्नी बहुत अच्छे से शुरू हुई कॉन्सर्ट्स की, वो उनके वजह से थी। और ऑफ कोर्स ये आज मेरे घर पे उनका फोटो भी है, मेरा अवार्ड लेते वक्त रोज मैं उनको बस नमस्कार करता हूँ। बिल्कुल, जिस तरह की वो कलाकार थीं और जिस तरह की उनकी उनका सम्मान, उनका उनका उनकी इज्जत पूरी दुनिया में थी, कोई भी व्यक्ति अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानेगा अगर उसके हाथ से आशीर्वाद मिला हो, उनके हाथ से आशीर्वाद मिला हो, पुरस्कार मिला हो। और गंधार, मुझे लगता है कि ये जो पुरस्कार होते हैं, मतलब मैं एक तरीका है कि मैं आपके तमाम पुरस्कारों के नाम लेकर बताऊं और तमाम परफॉर्मेंसेस का जिक्र करूं कि आपने यहाँ किया, वहां किया, दिस किया, दैट किया। और मुझे लगता है कि शायद उससे बेहतर ये होता है आपके लिए, अब आपके हिसाब से समझना चाहूंगा, रियाज कर लिया, कार्यक्रम मिलने लगे, लोग तारीफ भी करने लगे, आशीर्वाद मिलने लगे, पैसे भी आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लोग जानने पहचानने लगे हैं इस सर्किल में, ये सारी चीजें जो हैं यही एहसास तो कराती हैं कि हाँ सही दिशा में कदम आगे बढ़ रहे हैं। और इस सहजता को
इस साधना को, इस रियाज को मेंटेन रखना है, फिर ये पैसा, सम्मान, शोहरत, कार्यक्रम, ये सब कुछ आता रहेगा। मूल मूल जो केंद्र है, वो जो आप कह लें कि सम है, वो सम तो रियाज ही है। रियाज है, साधना है, तो सब कुछ है। बहुत बड़ी बात आपने की है, और थोड़ा छोटा मुंह बड़ी बात कहना चाहूंगा कि आज मैं प्रोफेशनली इसमें 12 साल से हूँ। 12 साल में मैंने बहुत कुछ देख लिया। मैंने कॉन्सर्ट्स की वजह से मैं बाहर देश में भी गया, भारत में घूम रहा हूँ, सब कुछ देखा। तो ना पैसा, ना फेम, ना लोग आपके लिए आपका नाम ले रहे, आपको पहचान रहे, आज मुझे इस सब का कुछ मूल नहीं है। मिलने के बाद बोल रहा हूँ मैं, बराबर है, पर मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें कुछ अर्थ नहीं है। आप आपका राग कैसा गा रहे हैं, उसमें जो आनंद है वो इन सब में नहीं है। क्योंकि राग गाने के बाद वो अगर आप अच्छे से गाएंगे तो आपको मिलता है सेटिस्फेक्शन, और बाकी इन चीजों से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता। ये मैं कुछ सालों से जान चुका हूँ। तो ना मैं उसके पीछे भागता हूँ, जो सामने से आए वो लेता हूँ, वहां जाके अच्छे गाने की कोशिश करता हूँ, और उस राग को भगवान की तरह देखता हूँ कि ये राग मुझे आगे गाना है, उसको मैं कैसे स्वरूप से दिखाऊं, कैसे उसका तेज बढ़ाऊं, क्योंकि राग भी एक भगवान है मेरे लिए, और वो हमारी शरीर से दूसरों की तरफ डाला जा रहा है भगवान के आशीर्वाद से। हमारा उसमें कुछ मूल नहीं है, हमारा अस्तित्व ही नहीं है एक्चुअली। इसलिए मैंने बोला कि छोटा मुंह बड़ी बात, कि ये मुझे, मैं समझ चुका, और मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी ये बताता हूँ कि इसके पीछे मत भागना। और जैसे हमारे दूसरा ही विषय निकाले तो 3 डेज में बोला गया है कि तुम अच्छा काम करो, बाकी सब आ जाएगा। और उस काम का नशा एक बार लग गया तो फिर इन चीजों की कुछ महत्व नहीं है। तो कुछ सालों से मैं उसी नशे में हूँ, और शायद मुझे उसी नशे में रहना पसंद है। वो राजन साजन जी भी कहते हैं, राजन जी तो खैर मतलब थोड़ी सी ईश्वर ने क्रूरता बरती हम लोगों से कि कोरोना में बहुत आकस्मिक वो चले गए, लेकिन राजन जी हमेशा कहते थे हमसे कि राग जब गाते हैं तो गाने से पहले उस राग को याद करके उसकी पूजा करते हैं कि हे बिलावल या हे जय जयवंती, आज हम आपको गाने जा रहे हैं, आप आइए और हमारे मुख से, हमारे गले से ये राग निकले और सही तरीके से हम उसको बरत पाए। राग तो वाकई आपने मतलब मुझे थोड़ी सी ऐसे कपकपी सी हो गई, क्योंकि मुझे तमाम बड़े कलाकार याद आने लगे। कुमार जी जैसे कहते थे कि राग को कभी भी एक जगह से मत देखिए, राग को आप 360 डिग्री देखिए। हाथी को पूंछ से मत देखिए, हाथी को उसके पूरे चारों तरफ से देखिए, तब समझ में आता है। तो राग तो अपने आप में वाकई एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर वो होगा। खैर आखिर में मुझे जो सवाल पूछना है आपसे वो ये कि कभी ऐसी टेम्पटेशन होती है कि यार थोड़ा ये बहुत जो फिल्मी गानों की दुनिया है और जो बहुत सारा एल्बम की दुनिया है और बहुत सारा जहां पर कह सकते हैं कि फेम कहीं ज्यादा है, लोग ज्यादा पहचानने लगते हैं, कभी ऐसी कोई ख्वाहिश है कि अगर कोई इस तरह का ऑफर आता है, कोई आता है तो वो भी करेंगे, या बिल्कुल वो विंडो बंद है कि नहीं, शास्त्रीय संगीत मतलब शास्त्रीय संगीत? इसमें भी मैं थोड़ा सा विषय आपको बताना चाहूंगा कि पहली बात है कि लोगों को शायद बुरा लगे, पर शास्त्रीय संगीत ये सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा मुझे लगता है, और ये मैं अभ्यास करने के बाद बता रहा हूँ। क्योंकि इसको परफॉर्म करना है, इसको समझना, और इसको वाकई में टोटैलिटी में प्रेजेंट करना, ये बाकी कोई अन्य संगीत से थोड़ा मुश्किल है। पर ये नहीं है कि बाकी अन्य संगीत को महत्व न दे। मैं बचपन से वेस्टर्न, जैज, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत, और बहुत सारे वेस्टर्न, मतलब जैसे माइकल जैक्सन है, एल्विस प्रेसली है, सब लोग लेजेंड्स, इनका पूरा सुनते आ रहा हूँ। आज मैं ज्यादा से ज्यादा सुनता वेस्टर्न ही हूँ, 40% क्लासिकल, 60% बाकी का, क्योंकि मैं उसमें भी अपना कुछ ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि इसमें कुछ लिंक हो सकता है क्या। बहुत सारे लेजेंड्स है बाहर में भी, और उनकी अगर आप जीवनियां देखेंगे तो वो भी इसी कारणवश असफल रहे लाइफ में।
कि वो सब फेम और इनके पीछे ही गए, उनको कंट्रोल नहीं हुआ। तो आज हमें ये सब उपलब्धियां है कि हम उनके जीवन से सीखे और इसके पीछे ना लगे और अपने गाने पे तैरे। दूसरी बात, सिर्फ शास्त्रीय संगीत पे टिका रहना, तो मैं गंधार देशपांडे इज इक्वल टू क्लासिकल म्यूजिशियन, यही मैं लाइफ में शोकेस करना चाहता हूँ। पर कोई ऑफर आए तो मैं जरूर उसका आदर करके गाना चाहूंगा, क्योंकि वो ऑफर एक शास्त्रीय संगीतकार को ही आया है, इसलिए उनको मैं कहूंगा कि हाँ मैं गाऊंगा। अभी भी मैं अभिजीत पवनकर जी के साथ एक सिर्फ प्रोजेक्ट करता हूँ बॉलीवुड घराना का, जिसमें बॉलीवुड घराना नाम है पर मैं पूरा क्लासिकली गाता हूँ, जिसमें बंदिश और उन रागों के ऊपर जो गाने हैं उनका सम्मिलन, ऐसा वो मतलब कॉन्सेप्ट है, और वो बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। मैं पूरा एक कॉन्सर्ट में, आप मुझे बताइए आज ऐसे कोई है आर्टिस्ट की जो 13 राग गाता है? उस कॉन्सर्ट में मैं 13 राग गाता हूँ। और ऐसे उपलब्धियां शास्त्रीय संगीत कर संगीत के कॉन्सर्ट में नहीं मिलती, तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखी। उस कॉन्सेप्ट का ये ध्येय है कि समझो मेरा ब्राजील में कॉन्सर्ट है फ्यूजन का, ब्राजील में तो शास्त्रीय संगीत ज्यादा कोई सुनेंगे नहीं, पर वहां पे फ्यूजन सुनेंगे। पर वहां पे 5,000 क्राउड में से 500 लोग भी इंस्पायर हुए क्लासिकल से, वो सुनने लगे, 500 में से 50 लोग सीखने लगे, और 50 में से एक व्यक्ति अगर गायक बना एक ब्राजीलियन सिटी। बिल्कुल सही कहा आपने गंधार, जिस तरह से आपने ब्राजील में म्यूजिक के इस उदाहरण को दिया, मुझे लगता है कि संगीत को देखने का, समझने का नजरिया भी यही होना चाहिए। एक बार फिर आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप ये नजरिया, ये महक, ये संस्कार, इसमें विस्तार करते रहें, और समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः आपको भी नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मुझे ये इंटरव्यू में बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे इतने सुंदर प्रश्न पूछे गए कि जिसके वजह से मैं जो मेरी मन की भावना थी वो बहुत अच्छी तरीके से मैं उसको प्रकट कर सका, और आई होप सभी दर्शकों को भी ये इंटरव्यू पसंद आए। फिर से मिलेंगे, नमस्कार।